हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सोनू झा ऑफिशियल चैनल पे। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आप एक अच्छा स्कोर करके 10th में अच्छा नंबर लाने ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज है चैप्टर्स नेम विद्युत धारा और मैं आपको 10 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो बिना समय गंवाए हुए आप स्टार्ट कीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्त, विद्युत धारा का सही मतलब क्या होता है, जो कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में आने का बहुत चांस है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। विद्युत धारा का ऐसा ही मतलब क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की ओर चले। देखिए, विद्युत धारा कौन सी राशि है, ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, तो ये एक अदिश राशि है। तीसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब क्या होता है। दोस्तों, विद्युत विभव का ऐसा ही मतलब वोल्ट होता है। उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा ही मतलब क्या होता है। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं, विभवांतर का ऐसा ही मात्रक एक वोल्ट होता है। विद्युत विभव और विभवांतर दोनों का ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं आप, आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो आवेश का ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। ये भी बहुत VVI क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लीजिए, आप 10th में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक क्या है। ये भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, इस प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक कम होता है। और क्वेश्चन नंबर 7, प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर होता है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत VVI है और 10th के एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ओम का नियम किस वैज्ञानिक, यानी कौन से वैज्ञानिक दिए थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम, जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने दिए थे। उसके बाद विद्युत का अच्छा चालक कौन है। क्वेश्चन नंबर 9, आप देख सकते हैं, विद्युत का अच्छा चालक कौन है। दोस्त, एल्युमिनियम है, ये विद्युत का अच्छा चालक होता है, सबसे अच्छा चालक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, आप देख सकते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति बोले या शक्ति का ऐसा ही मात्रक, दोनों एक ही चीज हुआ, तो आप इसको याद कर सकते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। तो 10th क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ के जाएं। 10th का एग्जाम आने वाला है, आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कॉमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।